जिन हाथों में कलम होनी चाहिए वो दो वक्त की रोटी के लिए कूड़ा चुन रहे हैं। एक तरफ जहां सुशासन की सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है, गरीबों के गरीबी दूर कर उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं संचालित हैं, सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने को ले खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अमली जामा पहनाया गया, बावजूद इसके गरीब तबके के लोगों की ना तो गरीबी अब तक दूर हो पाई और ना ही उनके बच्चे शिक्षित हो पाए। यानी सरकार की सारी दलीलें और योजनाएं इन दिनों बेमानी साबित हो रही हैं। जी हाँ, नतीजन आज भी कूड़े के ढेर में गरीब असहाय नव युवक अपना भविष्य तलाशते नजर आ रहे हैं। आप खुद ही देखिए, रामपुर जिले के महिला थाने से मात्र 100 कदम की दूरी पर कूड़े कचरे के ढेर से नव युवक कूड़ा बीनते हैं। यही नहीं बल्कि गौ माता भी इसी कूड़े से प्लास्टिक कचरा खाकर अपना पेट भर रही है। इंसान भी अपनी रोटी तलाश रहा है तो जानवर भी अपना पेट भर रहा है। यह वो तस्वीरें हैं जिससे आपको खुद शर्म आएगी कि हमारा देश कहां जा रहा है और दावे कितने बड़े हैं, बातें कितनी बड़ी हैं। हम डिजिटल इंडिया की तो बात कर रहे हैं, पर यह कौन खत्म करेगा, यह सरकारों के लिए बड़ा सवाल है। जी हाँ, गौरतलब है कि रामपुर जिले में शहर के नव युवक और बिहार से आए युवक शहर के कूड़ा घरों से कूड़ा बीनकर अपनी जीविका चला रहे हैं। इनके जैसा समाज में एक ऐसा भी वर्ग है जिनका जीवन ही कचरे के ढेर पर टिका हुआ है। यानी होश संभालते ही बीमारियों की परवाह किए बिना कूड़े के ढेर से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। इस प्रकार बीमारियों की खुली चुनौती कबूलते कूड़ा कचरा चुनकर अपना जीवन निर्वाह करने वालों की जमात आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। सूरज की पहली किरण के साथ पीठ पर प्लास्टिक का थैला या बोरा लेकर निकल पड़ने वाले इन युवकों के स्वास्थ्य या सुरक्षा की गारंटी कोई लेने को तैयार नहीं है। कूड़ा कचरा व गंदगी के बीच रहने वालों को आज मानवीय संवेदना से भी परे समझा जाता है। राह चलने वाले भी इन्हें अपेक्षा और तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। जी हाँ, और इनसे बच निकलते हैं, कहीं उनके शरीर में उसका शरीर सट ना जाए, इसीलिए अपना रास्ता काट लेते हैं। वहीं जब हमारे संवाददाता ने जब इन गरीब असहाय युवकों से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि एक दिन कूड़ा करकट नहीं चुनते हैं तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता है, इसीलिए घर के सभी सदस्य सुबह से इस काम में लग जाते हैं और हम कूड़ा करकट से लोहा, प्लास्टिक, गत्ता, कागज आदि बीनते हैं, जिससे कई बार हमें बीमार भी होना पड़ता है। पर क्या करें, इस देश में बेरोजगारी बहुत है और कोई काम नहीं है, इस कूड़े से ही हम अपनी रोजी रोटी तलाशते हैं। बहरहाल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देश को डिजिटल इंडिया बनाने जा रहे हैं, पर देश की बेरोजगारी भुखमरी कब दूर होगी यह तो सिर्फ ईश्वर ही जान सकता है। इसमें से प्लास्टिक व्लास्टिक बीन रहा हूँ। किस लिए? यही थोड़ा बेचेंगे, थोड़ा पैसा वैसा कमाएंगे बोल के। मोदी जी ने तुम्हें कोई रोजगार नहीं दिया? मोदी जी नहीं नहीं नहीं, कचरे से बीन के अपनी रोजी रोटी चलाते हो? जी जी जी, पूरी बात बताओ। वही तो, देश में काम ही नहीं मिलता है, यहाँ कचरा बीन के जो है प्लास्टिक व्लास्टिक जो मिलता है 100-200 रुपया कमाते हैं, उसी से बीवी बाल बच्चे का पेट चलाता हूँ और चलता ही, कोई काम भी रोजगार नहीं है। हम लोग को कुछ मिल भी नहीं रहा है, जो राशन पानी मिलता है ये वो हम लोग को नहीं मिलता है। कितने पढ़े लिखे हो? हम लोग कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है। चलो, यही करते हो? जी यही करते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता बीमारी हो जाए कोई इतनी गंदगी? क्या करेंगे, बीमारी हो जाएंगे तो बदनामी है, जो हम लोग मर जाएंगे और अच्छे रहेंगे। कहाँ रहते हो? जी हम बिहार के रहने वाले हैं। ठीक सर, हम लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, कूड़े से पेट पाल रहे हैं, कोई रोजगार है नहीं, कोई चीज़ है नहीं सर, हम लोग को कोई रोजगार मिल ही ना रहा है, कूड़े से पेट पाल रहे हैं, बिना बिना करके प्लास्टिक व्लास्टिक बीनते हैं। कहाँ से आए हो आप? जी बिहार के हैं। बिहार से यहाँ आके कूड़ा बीनते हो? जी जी सर। तो यहाँ से कितना कमा लेते हो? 100-200 रुपया कमा लेते हैं साहब, कोई रोजगार है नहीं साहब, क्या करूं, ये प्लास्टिक कूड़े से बीन के बेचता हूं, बस रोजी रोटी अपना पेट पाल लिया हूं। चलो, क्या कहना चाहोगे, आपको कोई सुविधा या किसी तरह कुछ यहां पर बीमारी वगैरह तो नहीं लगती है? बीमारी हो जाए तो सब क्या करें, मजबूरी में बीनना पड़ रहा है सर, कोई काम धंधा तो है नहीं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।